हेलो फ्रेंड्स, दिवाली में कुछ बने या ना बने मगर गुजिया तो सबके घर में बनता ही है। तो आज मैं मावे के बिना सूजी के गुजिया बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी। और कैसे इसे फोल्ड करना है वो भी हम बताएंगे और कुछ अलग तरीके से इसे हम बनाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें ऊपर की लेयर के लिए मैंने एक कटोरी मैदा लिया है और उसी में एक पिंच जितना नमक ऐड करके, नमक ऐड करने से गुजिया का टेस्ट बदल जाता है। और 2 चम्मच जितना घी ऐड कर लेंगे, आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब अच्छी तरह सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह से उसे घूट लेंगे और उसे रेस्ट करने देंगे। अब हम स्टफिंग बनाएंगे। तो एक पैन में घी ऐड कर लेंगे, 4 चम्मच जितना घी है। अब इसे हमें पिघल देना है, गैस की आंच धीमी करेंगे। अब हम इसमें एक कटोरी सूजी ऐड करेंगे। हमें इसे अच्छी तरह से भून लेना है। अब थोड़ी देर बाद जब इसमें से खुशबू आ जाए तो इसमें हमें पिसी हुई चीनी डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, अच्छी तरह से बुरा डालिए। अब हम इसमें पिसा हुआ नारियल डाल देंगे, गरम गरम में ही इसे डाल देना है ताकि ये भी भून जाए। और उसके साथ ही मैंने ड्राई फ्रूट डाला है और फिर मैंने इलायची का पाउडर भी डाल दिया है इसमें, और इसे भी अच्छी तरह से भून लिया है। और सबको मैंने एक कटोरे में निकाल है ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और जो हमने आटा गूंथा है ना, उसको अच्छे से गूंथने के बाद मैंने 2 हिस्सों में से बांट दिया है। और दोनों में थोड़ा सारा सा कलर ऐड करेंगे, और एक में मैंने हरा कलर लिया है और एक में मैंने ऑरेंज कलर लिया है। अब एक एक आटे को हम रोटी की तरह बेल लेंगे और दूसरे को भी हम रोटी की तरह ही बेल लेंगे। हमें थोड़ा सा पतला बेलना है इसे, और फिर हमें ये अच्छे तरह से गोल गोल हो जाए तो उस पर थोड़ा सा घी लगा लेंगे हम। और घी लगाने के बाद इसमें थोड़ा सा सूखा आटा भी डस्ट कर देंगे हमें, और जो दूसरी रोटी है ऊपर डाल देंगे और फिर इसे खींचते हुए एक तरह कर देंगे। और ये भी हो गए तो ऊपर से थोड़ा तेल लगा घी लगा लेंगे हम और सूखा आटा डस्ट कर देंगे। और फिर हमें इसे खींच के गोल 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 उसे रोल कर देना है। सब रोल हो गए तो इसे हमें चाकू की मदद से काट देना है। और फिर हमें इसे एक लुआ लेकर हमें इसे दबा देना है, और इसे हम रोटी की तरह बेल देंगे, पूरी की तरह बेल देंगे सॉरी। और पूरी की तरह बेलने के बाद जो हमें स्टफिंग बनाई थी ना, वो 1 चम्मच के करीब हम इसमें डाल देंगे, और बहुत ज़्यादा ना डालें। फिर हमें इसे कॉर्नर की तरफ से दबाते हुए सील कर देना है। ये देख सकते हैं आप, अच्छी तरह से सील कीजिएगा। फिर हमें थोड़ा पोर्शन पिंच करना है और उठा के दबाना है। इसी तरह से हमें ये दबा देना है, पिंच करना है और दबा देना है, पिंच करना है और दबा देना है। इस तरह से सारी गुजिया हमने बना ली है, आप देख सकते हैं। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को फिर से देखिएगा। और ये रेडी है हमारी। और अब हमें ऑयल गरम करके उसे डाल देना है, और ऑयल हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, धीमी आंच पे ही हमें गुजिया को तल लिया है। और ये रेडी हो जाए कि आपकी गुजिया। तो इसी तरह आप भी इस दिवाली अपने घर में इसे बनाइए। और रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये देख सकते हैं कितनी टेस्टी बनी है, आप भी ज़रूर बनाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।